डू एजुकेट फ्रेंड्स देन डू द रेस्ट। हेलो एवरीवन, दिस इज सपना सिंह एंड वेलकम टू द चैनल डू एजुकेट। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था एक न्यूमेरिकल जिसमें कि एक बार होता था और वो एक साइड से फिक्स था। फिक्स करने के बाद हमने क्या देखा था, उसमें अलग अलग लोड लग रहे थे। उस लोड की वजह से रिएक्शन को कैलकुलेट करने के बाद हमने किस तरीके के स्ट्रेस उस पर डेवलप हो रहे हैं या उसकी स्ट्रेस की वैल्यू कितनी आ रही है या फिर उसमें डिफॉर्मेशन कितना आ रहा है, ये चीज़ें हमने डिस्कस की थी। आज बात करेंगे कि अगर बार दोनों साइड से फिक्स है तो हम उस कंडीशन में कैसे चीज़ों को सॉल्व करेंगे, स्ट्रेस कैसे निकालेंगे या फिर डिफॉर्मेशन कैसे निकालेंगे। यहाँ पर एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन में एक बार है, बार जो है दोनों एंड से फिक्स है। ये फिक्स एक एंड हो गया और ये दूसरी साइड। लोड लग रहा है, अलग अलग सेक्शन है, ए बी एक सेक्शन हो गया, बी सी दूसरा सेक्शन और सी डी तीसरा सेक्शन हो गया। लोड की वैल्यू है यहाँ पे 200 किलो न्यूटन और एक यहाँ पे दे रखा है 125 किलो न्यूटन। देखेंगे कि इसमें स्ट्रेस, अगर ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि इसमें स्ट्रेस की वैल्यू बताइए एक पर्टिकुलर सेक्शन में कि बी ए बी पे कितना स्ट्रेस है या सी डी पे कितना स्ट्रेस है या सी डी पे डिफॉर्मेशन कितना है या फिर टोटल डिफॉर्मेशन की वैल्यू कितनी आएगी। तो ऐसे क्वेश्चंस में हम क्या करेंगे, कुछ कुछ स्टेप्स हैं जिन्हें हम फॉलो करेंगे और बहुत ही ईजी तरीके से हम आंसर को कैलकुलेट कर सकते हैं। क्या करना है, पहले जैसे क्वेश्चन में किया था रिएक्शन कैलकुलेट करना, यहाँ पे भी सेम ट्रिक को यूज़ करेंगे, रिएक्शन कैलकुलेट करेंगे। क्योंकि रिएक्शन फाइंड आउट अगर हो जाएगा तो अलग अलग सेक्शन पे लोड निकल जाएगा, अलग सेक्शन में लोड निकलने के बाद हम क्या कर सकते हैं, स्ट्रेस निकाल सकते हैं, स्ट्रेस निकालेंगे डिफॉर्मेशन निकल जाएगा। इस तरीके से हम चीज़ों को सॉल्व करेंगे। क्या करना है, यहाँ पर रिएक्शन निकालना है। ये देख रहे हैं हम यहाँ पर 200 किलो न्यूटन 225 किलो न्यूटन, डायरेक्शन इधर और दूसरे की भी डायरेक्शन इस साइड, दोनों जा रहे हैं इधर, मतलब दोनों को क्या करेंगे, प्लस कर देंगे। टोटल लोड जो लग रहा है इस डायरेक्शन में वो कितना है, दैट इज़ 325। करना क्या है, इस डायरेक्शन में हमें फोर्स दिया हुआ है कि जो टोटल फोर्स है जो वो इस डायरेक्शन में लग रहा है। तो रिएक्शन हमें पता है, रिएक्शन हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। तो रिएक्शन क्या होगा, अगर फोर्स इधर लग रहा है तो रिएक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी, इधर हो जाएगी, मतलब आर ए इधर वर्क करेगा। दो है, दो साइड फिक्स है तो दो रिएक्शन होंगे। पहले क्या होता था, सिर्फ एक साइड फिक्स होती थी वहाँ पे एक रिएक्शन होता था, यहाँ पे दो है तो दोनों रिएक्शन निकालने पड़ेंगे। इसलिए थोड़ा सा प्रोसीजर लंबा जाएगा क्योंकि दो रिएक्शन है तो दो इक्वेशन की ज़रूरत होगी हमें उसे सॉल्व करने के लिए। पहले एक रिएक्शन होता था तो उसमें सिर्फ एक इक्वेशन लगाते थे, हॉरिजॉन्टल को समीशन करते थे और फिर उसके बाद हॉरिजॉन्टल फोर्सेस को समीशन करने के बाद हमें वैल्यू निकल के आ जाती थी। आर ए इधर लग गया, अब आर डी भी होगा, एक रिएक्शन डी साइड भी होगा। तो डी जो है हम क्या करेंगे, हम ये अज्यूम करके चलेंगे कि जिधर आर ए लग रहा है, जिस डायरेक्शन में आर ए लग रहा है उसी डायरेक्शन में आर डी भी लगेगा। ये ऐसे क्वेश्चन में हमेशा ध्यान रखना है कि जिधर आर ए लगेगा उसी साइड हम आर डी लगाएंगे, ठीक है। क्योंकि इससे क्या होगा, माइनस प्लस में हम कन्फ्यूज़ नहीं होंगे और फाइनल आंसर हमारा आ जाएगा। इधर आर ए लगा तो हम ये भी मानेंगे कि आर डी इधर लगेगा, राइट। ये निकालने के बाद हम देखेंगे, अब समेशन निकालेंगे, समेशन ऑफ फोर्सेस इन एक्स डायरेक्शन इज इक्वल्स टू ज़ीरो। पहले भी यही किया था, हॉरिजॉन्टल फोर्सेस का समेशन किया था। यहाँ पे क्या है, जोड़ेंगे, आर ए इधर जा रहा है तो इधर वाली चीज़ों को पॉजिटिव ले लो, एक मतलब एक इधर जा रहा है इसको पॉजिटिव ले लो या फिर इसको पॉजिटिव ले लो, ठीक है। इन दोनों में से किसी को भी पॉजिटिव लेंगे तो अपोजिट साइड क्या हो जाएगी, ये माइनस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा, ठीक है। ये आपके ऊपर है कि आप किसको पॉजिटिव या नेगेटिव मान के चल रहे हो। स्टार्टिंग में आप इसको भी नेगेटिव मान के चल सकते हो, हमने यहाँ पे पॉजिटिव लिया है, तो ये डिपेंड करता है आपके ऊपर, ये आप अज्यूम कर सकते हो कुछ भी। लेकिन लेना वही है कि एक साइड अगर पॉजिटिव है तो दूसरी नेगेटिव लेके चलनी है पूरे क्वेश्चन में। आर ए हमने अज्यूम किया ये पॉजिटिव है, ठीक, आर ए इधर लग रहा है लेकिन 200 ये क्या है, दूसरी डायरेक्शन में जा रहा है, तो क्या करेंगे, माइनस 200 हो जाएगा। 125 फिर से दूसरी डायरेक्शन में, 125 आर डी इधर लग रहा है, मींस प्लस आर डी इज इक्वल्स टू ज़ीरो। यहाँ पे आर ए प्लस आर डी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 125 इधर आ जाएगा प्लस 200 डेट इज़ 300।
325 किलो न्यूटन। ये आ गया आर ए प्लस आर डी की वैल्यू। एक इक्वेशन और चाहिए, एक इक्वेशन हमें आर ए और आर डी के टर्म्स में अगर मिल जाती है या फिर किसी भी टर्म में आ जाती है तो हम इक्वेशन को सॉल्व करके दोनों रिएक्शन निकाल सकते हैं। क्या करेंगे यहाँ पे, जब दोनों बार फिक्स हैं, जब दोनों बार दोनों साइड अगर फिक्स हैं किसी बार की, तो वहाँ पे जो टोटल डिफॉर्मेशन होगा वो क्या होगा, ज़ीरो होगा। क्यों? क्योंकि दोनों साइड फिक्स है, कहाँ जाएगा, कहाँ मूव कर सकता है, अगर दोनों एंड फिक्स हैं तो वो कहीं मूव नहीं कर सकता, इसलिए टोटल इसमें डिफॉर्मेशन क्या होगा, वो हम ज़ीरो मान के चलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, टोटल डिफॉर्मेशन की वैल्यू क्या हो जाएगी, डेल्टा ए बी प्लस डेल्टा बी सी प्लस डेल्टा सी डी इज इक्वल्स टू ज़ीरो। ए बी बी सी और सी डी इज इक्वल्स टू ज़ीरो। क्या करेंगे, अब ए बी मीन्स डेल्टा क्या होता है, डिफॉर्मेशन मीन्स पी एल अपॉन ए, हमें पता है ये फार्मूला क्या होता है, ये पी एल बाई ए ई डिफॉर्मेशन है ये। तो लोड की वैल्यू क्या होगी ए बी सेक्शन में, ए बी सेक्शन में हम क्या करेंगे, इस पोर्शन को लेंगे, इस साइड को, इस डायरेक्शन को हमने पॉजिटिव माना है, दैट मीन्स आर ए हो जाएगा, प्लस का आर ए। लेंथ अज्यूम कर लिया हमने, ये भी वन है, वन मीटर, ये भी वन और ये भी वन, सबकी लेंथ सेम है। ठीक है, एरिया कांस्टेंट है, एरिया आपको देख सकते हैं आप, कहीं पे भी चेंज नहीं हो रहा, तो एरिया ये और ई भी हमने अज्यूम किया है कि कांस्टेंट है। ठीक है, प्लस डेल्टा बी सी, मतलब पी बी सी पे कितना लग रहा है, बी सी सेक्शन, ये प्लस का आर ए माइनस का 200, आर ए माइनस 200, एल की वैल्यू 1, ए ई सबके लिए सेम है। सी डी सेक्शन पे फिर से लेंगे आर ए माइनस 200 माइनस 1 25, आर ए माइनस 200 माइनस 125, लेंथ की वैल्यू अगेन 1 अपॉन ए ई इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर देंगे, इस इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे, आर ए के टर्म में एक इक्वेशन आ जाएगी, ए ए और ए ई, ये सारा क्या हो जाएगा, उधर जाके ज़ीरो हो जाएगा, तो बचेगा क्या, थोड़ा सा मैनेज करते हैं, ये क्या है, आर ए प्लस आर ए माइनस 200 प्लस आर ए माइनस 325 इज इक्वल्स टू ज़ीरो। आर ए आर ए दैट इज ये 3 आर ए इज इक्वल्स टू 525, तो आर ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, 525 डिवाइड बाई 3, वन 75 किलो न्यूटन। ये आ गई आर ए की वैल्यू, आर ए की वैल्यू आ गई 175 न्यूटन किलो न्यूटन, आर ए की वैल्यू निकल गई। एक इक्वेशन ये है आर ए प्लस आर डी इज इक्वल्स टू 325 किलो न्यूटन, तो यहाँ अगर आर ए की वैल्यू पुट करेंगे 175 प्लस आर डी इज इक्वल्स टू 325 किलो न्यूटन, इट मीन्स कि आर डी इज इक्वल्स टू 325 माइनस 175 इज इक्वल्स टू 150 किलो न्यूटन। ठीक है, क्या हुआ, हमने रिएक्शन निकाल लिया, यही तो हमें निकालना था, आर ए निकालना था, आर डी निकालना था, आर ए निकल गया, आर डी निकल गया। अब आर ए और आर डी अगर निकल गया तो हम अलग अलग सेक्शन पे हम लोड अब आराम से निकाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि जब रिएक्शन ही निकल गया तो हमें यही तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही यही थी कि अगर रिएक्शन निकाल लेंगे तो हमें अलग सेक्शन पे, हर एक सेक्शन पे हमें लोड की वैल्यू मिल जाएगी, और जब लोड निकल जाएगा तो ऑटोमेटिकली हम उस सेक्शन पे स्ट्रेस की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो आर ए आया है 175 और आर डी है 150। ठीक है, आर ए वॉज 175, आर डी 150 किलो न्यूटन। ठीक है, अब लोड अगर निकालेंगे, लोड या फिर फोर्स ए बी पे, ए बी सेक्शन पे क्या हो जाएगा, आर ए हो जाएगा, आर ए मीन्स 175।
लोड बीसी पे कितना हो जाएगा, बीसी पे मींस आरए माइनस 200, मतलब आरए की वैल्यू 175 माइनस 200, मतलब माइनस 25, ठीक है, माइनस 25 किलो न्यूटन। अब लोड इसी तरीके से निकालेंगे किस सेक्शन पे, सी डी पे, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, आर ए माइनस 200 माइनस 175 माइनस 200 माइनस 125 कितना आ जाएगा, 120, यहाँ पे ये क्या हो जाएगा 25 मींस माइनस 175 किलो न्यूटन, लोड निकल गया। स्ट्रेस पूछेगा, अब आराम से आप सारी चीज़ों को कैलकुलेट कर सकते हैं, हमें बस यहीं तक प्रॉब्लम थी कि हमें रिएक्शन निकालना है और लोड निकालना है। स्ट्रेस अगर मान लो सेक्शन ए बी में पूछ लिया तो क्या हो जाएगा, लोड एट ए बी अपॉन एरिया ऑफ ए बी, लोड कितना है ए बी पे 175, एरिया यहाँ पे दिया नहीं है, कांस्टेंट है ए हम मान के चलते हैं, अदरवाइज एरिया की कुछ ना कुछ वैल्यू क्वेश्चन में गिवन होती है तो वो वैल्यू पुट करेंगे और फिर ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे लोड निकाला, स्ट्रेस निकाला, ए बी का जैसे निकाला है वैसे बी सी और सी डी का भी निकाल सकते हैं। डिफॉर्मेशन की बात करेंगे तो डिफॉर्मेशन भी अलग अलग सेक्शन में अलग अलग होगा। डेल्टा ए बी अगर पूछेगा तो सीधे सीधे, अगर ए बी सेक्शन में डिफॉर्मेशन मीन्स पी ए बी ए ई, ठीक है, लेंथ की वैल्यू रखेंगे, एरिया ई, आराम से निकल जाएगा डेल्टा ए बी, ठीक है। बी सी का भी निकाल सकते हैं, सी डी का भी निकाल सकते हैं। इसी तरीके से ये क्वेश्चन बस कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ रिएक्शन निकालना है, रिएक्शन निकालेंगे लोड निकलेगा, लोड निकालना है स्ट्रेस निकल जाएगा, हर एक क्वेश्चन में यही प्रोसीजर अप्लाई होगा। बस कुछ कुछ चीज़ें ध्यान रखनी है कि एक साइड अगर अगर एक साइड उसकी फिक्स है तो क्या केस होगा, या फिर दोनों साइड फिक्स है तो क्या केसेस बनेंगे। रिएक्शन निकालना है, लोड निकालना है, स्ट्रेस निकालना है, डिफॉर्मेशन निकालना है, दैट सेट। बहुत ज़्यादा से ज़्यादा पूछ लेगा तो मैक्सिमम स्ट्रेस पूछेगा, मैक्सिमम स्ट्रेस कहाँ होता है, जहाँ पे लोड मैक्सिमम होता है या फिर एरिया मिनिमम होता है, ये ऐसे निकाल लेंगे, या फिर मैक्सिमम या मिनिमम स्ट्रेस का रेशियो निकाल पूछ सकते हैं, इससे ज़्यादा कुछ पूछा नहीं जाता ऐसे क्वेश्चन में, तो ठीक है। ये न्यूमेरिकल अच्छे से कर लेना आप लोग, एक बार रिवाइज कर लेना, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू।